आलिया मैं ना वर्ल्ड टूर भी प्लान कर रही हूँ। हम पूरी दुनिया घूमेंगे, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सब जगह से शॉपिंग करेंगे। और मैं अभी को भी कह दूंगी कि वहाँ पे एक घर खरीद ले ताकि जब मन चाहे वहाँ पे जाके रह लूं। या राइट, जैसे कि घर लेना तो बहुत ही आसान। ये जो अपने ख्याली पुलाव है ना, ये बनाना बंद करो। तुम पैसे इतनी आसानी से नहीं आने वाले। जब तक वो सीढ़ी नहीं आई मैं कोई पैसे नहीं मिलने वाले। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले मतलब तुम्हें अभी डाउट है कि वो डील कैंसिल होने के चांसेस है? उसने हमें 2 लाख रुपए एडवांस दिया है, प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए तैयार हो गया और अभी तुम नेगेटिव सोच रही हो। यार नेगेटिव सोचू नहीं तो और क्या करूँ, तुम्हें समझ में नहीं आते कि प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ। जब तक वो सीडी हम नहीं लेकर आएंगे तब तक पैसे हमें नहीं मिलेंगे। यार समझती नहीं हो तुम। व्हाट मीन बाय हम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही और वैसे भी ये तुम्हारा काम है, तुम जाके संभालो। गुड लॉर्ड, यू नो व्हाट, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, मैं ही जाकर करूंगी। और वैसे भी अगर तुम आओगी ना कुछ तो गड़बड़ी होगी और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आलिया तुम जानती हो ना कि इस प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाती, और तुम अभी को भी जानती हो कि वो इस प्रेगनेंसी को लेके, इस बच्चे को लेके कितना पॉजिटिव है। वो इस बच्चे से इतना प्यार करता है कि अगर इस बच्चे को कुछ भी होगा ना तो वो तो मेरी जान नहीं ले लेगा। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं कर लूंगी सब। लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ यार चक चक करके। ठीक है तो तुम जाओ और मैं अपने वर्ल्ड टूर की प्लानिंग करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पेट में बहुत दर्द हो रहा है अभी। पिज्जा ब्रेड भी मिल जाएगी ना? मेरा तो उसी में काम हो जाएगा। पिज्जा की ब्रेड इसको दे देना और सारी टॉपिंग मुझे दे देना। टॉपिंग खाने के लिए तेरी उम्र ठीक है और रोटी बनाने के लिए उम्र की प्रॉब्लम है तेरी, हैं? पर पिज्जा तो मंगा लेंगे लेकिन पैसे इसका प्यो देगा। अरे ताऊजी आप पिज्जा खाइए ना, बिल क्यों गिन रहे? Don't care when Abhi is here, all right? टेस्टी पिज्जा, 5 फैमिली साइज पिज्जा भेजना। अभी एक्स्ट्रा चीज के साथ। सुना तुमने? एक्स्ट्रा चीज के साथ। मेरे लिए ना खूब सारा पनीर बनवा देना और एक वेज स्पेशल पनीर पिज्जा। यस दैट्स इट। मिस नाम है मिस प्रज्ञा अरोरा, जल्दी भेजना। अरे दादी कहाँ जा रही है? बस थोड़ी देर और आज दबा के खाएंगे। वैसे किसी और के पैसों पे पिज्जा खाने का मजा ही कुछ और है। वो भी एक्स्ट्रा चीज वाला। अच्छा हुआ अभी तू आ गया, पिज्जा तो टेस्टी है लेकिन घर वालों के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है। दीदी आप भी ठीक से खाओ ना। अरे दादी आप काहे फॉर्मेलिटी कर रही? आप ये लो, मैं देता हूँ आपको। सर बिल तो दे दीजिए सर, अगर मैं अभी वापस नहीं गया तो मेरी जॉब चले जाएगी सर। पगले तेरी जॉब क्यों जाएगी? अरे जिसने ऑर्डर किया उससे पैसे ले ले। सर हमने कॉल किया था लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। क्या जमाना आ गया ताई जी, आजकल लोग पिज्जा पे फ्रॉड करने लग गए। वेरी बैड। कितनी बार मैं कहूं आपसे मैंने कोई पिज्जा विज्जा ऑर्डर नहीं किया, आप समझ क्यों नहीं रहे? आलिया के लिए जाल तो बिछा दिया लेकिन इस तनु का क्या? उसके बच्चे का असली पिता कौन है कैसे पता लगाऊं? क्योंकि इतने दिनों में मैंने उसे किसी आदमी से मिलते हुए नहीं देखा, कहीं बाहर भी नहीं जाती। पता नहीं उसका राज कैसे बाहर निकालूं। ओह तो मुझे तन्नू के साथ देख के परेशान हो गया। ये स्मेल आ रही है ना इस कमरे से? स्मेल बाहर तो नहीं थी लेकिन यहाँ से आ रही है। कैसी स्मेल? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। अरे कुछ स्मेल है, चलने की स्मेल है। हाँ यहाँ से आ रही है। तुम्हारे में से जलने की स्मेल आ रही है? मैं क्यों जलने लगी? ओह शायद तन्नू को मेरे साथ देखकर तुम जल रही हो ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जबकि मैं आपको तन्नू के साथ देखती हूँ ना तो मुझे दया आती है। मतलब आपका तो मुझे समझ में आता है कि आप उससे शादी क्यों करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप उसके साथ इतने दिनों से एक रिलेशनशिप में है, अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, आपसे इतना प्यार करती है, लेकिन जब मैं तन्नू के बारे में सोचती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो आपसे शादी क्यों कर रही। मेरा मतलब है तो उस पे ध्यान ही नहीं देते और
मुझे समझ में नहीं आता कि उसे इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता कि आप हमेशा मेरे साथ होते, और तो और आप उससे शादी कर रहे हैं फिर भी वो आपको किसी और औरत के साथ एक कमरे में सोने के लिए अलाउ कर देती। या तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उसके साथ रहे या ना रहे, उसे डर नहीं लगता कि मैं आपके सामने बहक गई तो, या तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कभी उसे धोखा नहीं देंगे। आपने कभी सोचा है कि जब वो आपके साथ नहीं होती तो कहाँ होती? आप सो रहे होते तो वो इस घर में होती भी है या नहीं? कैसा रिश्ता है ये जिसमें दो लोग एक दूसरे को ऑनेस्टली सब कुछ बताते भी नहीं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो बच्चा आपका है भी या नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि वो बच्चा आपका नहीं किसी और का है? आपने कभी सोचा है कि जब वो आपके साथ नहीं होती तो कहाँ होती? आप सो रहे होते तो वो इस घर में होती भी है या नहीं? कैसा रिश्ता है ये जिसमें दो लोग एक दूसरे को सब कुछ बताते भी नहीं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो बच्चा आपका है भी या नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि वो बच्चा आपका नहीं किसी और का है? मजाक की भी अपनी एक हद होती है। मैंने तुम्हें हर जगह बर्दाश्त किया, लेकिन अगर इस मैटर में तुमने और कुछ भी बोला ना, तो मैं अपनी हद पार कर लूंगा। जब मुझे उस बच्चे का ख्याल आता है ना, तो मुझे तनु की नहीं अपनी फुग्गी की याद आती है। मेरी फुग्गी ने मुझसे कहा था कि वो बच्चा ना हमारे प्यार की निशानी है। जिस बच्चे के वजह से हम अलग हुए ना, उस बच्चे को कभी अपने से अलग मत करना। मेरी फुग्गी ने मुझे कहा था कि मैं उस बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूं, क्योंकि जितना खुश वो बच्चा होगा ना, उतनी खुश मेरी फुग्गी होगी। मैंने अपनी फुग्गी से वादा किया था कि मैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। अभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो बच्चा जो आपकी जिम्मेदारी। हम शायद एक दूसरे के बगैर जी सकते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पिता के नाम उसके साथ के बगैर जिएगा तो उसकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। जितना प्यार मैं उस फुग्गी से करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं उस बच्चे से भी करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, और अब आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी फुग्गी से जुड़ी हर चीज से दूर रहना। ओह थैंक गॉड तुम आ गई। तुमने सब चेक कर लिया ना? सब सो गए? हाँ लिया, मैंने सब कुछ चेक किया, सब सो गए। अब एक काम करना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं पीछे के दरवाजे से जाने वाली हूँ, और ध्यान रहे वो दरवाजा बंद मत करना क्योंकि मैं वापस भी उसी दरवाजे से आऊंगी। और अगर कोई पूछे कि आलिया कहाँ है तो बोल देना तुम्हें पता नहीं, कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कहाँ गई। ओके आलिया, सुनो, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? लिसन राज भैया, मेरी पर्सनल लाइफ है। ओके मैं कहीं पर भी जाऊँ, मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे मिलने जाऊँ या कुछ भी करने जाऊँ, हर एक्टिविटी की आपको रिपोर्ट तो नहीं दे सकती ना? मैं वो नहीं कह रहा था। एनीवेज लीव इट, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं बस वही डिस्कस करने के लिए आया था यहाँ पे। राज भैया आज नहीं, आज मुझे जाना होगा, कल करते। आलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक लॉयर से भी बात की हुई है। वो अरे तो कौन भागे जा रहा है, या फिर कल सुबह नहीं होने वाली, वो लॉयर भाग जाएगा क्या? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने प्लान्स बनाए हुए हैं, और अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं शायद इसको बात के लिए प्लान कर लेती, लेकिन मैं लास्ट मिनट पे तो अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकती ना। सो कल बात करते हैं, ओके? आई हैव टू गो। क्या कर रही है, मामा जी को तो लेकर आ। जब बड़े लोग आने वाले होते तो बाकी लोगों को इंतजार करना ही पड़ता है दी। रिलैक्स, पहले ही टेंशन से बुरा हाल हो रहा है, अब और इंतजार मत करा,
प्लीज जल्दी कर. ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट द न्यू अवतार ऑफ आवर मामा जी, मंगल सिंह ढिल्लो. बुलबुल, ये मामा जी है ना? कौन मामा जी? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, करके के बात करो वरना कल से अपना हिसाब करो. मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा. बुलबुल, हमने तो मामा जी को प्रोड्यूसर बनाने के लिए बोला था और तू प्रोड्यूसर साहब को अपने मामा जी बना कर ले आई. भाई इस सबका क्रेडिट तो बुलबुल को जाता है, इसने ही मुझे मामा जी से सीधा मंगल सिंह ढिल्लो बना दिया. क्या अब तू आलिया को जल्दी से फोन लगा और मीटिंग का टाइम पक्का कर ले. एक मिनट, फोन करने से पहले ये सोच ले कि तू से क्या बात करने वाला है. तू जानती है ना आलिया कितनी चालाक है, कितनी स्मार्ट है वो. सो बेटर ये है कि उसे चूज करने दे कि उसे कहां मिलना है. अरे दादी, क्या सुपर टाइमिंग पे आई हैं आप. ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया है, गरम गरम नाश्ता सबके लिए. आज इतना बढ़िया खाना बनाया है ना हमने कि आपको बाहर के खाने की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, बिल्कुल भूल जाओगे. क्यों दोनों सबकी पसंद का खाना बनाए. दादी आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, मुझे भी नहीं हो रहा. और आप बैठिए, लेट्स एंजॉय योर फूड, कम ऑन. एग्जैक्टली प्रज्ञा, तुम भी आकर खाना खाओ ना. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाऊं? अरे आलिया, तुम इसे खाना क्या खिला रही हो? सुबह सुबह इसे खून पिलाया करो. अगर सुबह खून पिएगी ना, कम से कम दिन भर हमारा खून तो नहीं चूसेगी. डोंट वरी प्रज्ञा, हम लोग बहुत बुरे हैं लेकिन खाना इतना बुरा नहीं है. इट्स एडिबल. अब रॉबिन, अपनी मैम को जूस सर्व करो, खाना सर्व करो. आलिया, खिलाओ खिलाओ और पेट भर के खाना खिलाओ. बिल्कुल वैसे ही जैसे बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है ना. आलिया बेटा, खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया. हाँ आलिया, तुमने सच्ची में ये बनाया है या गलती से बन गया? भाई जैसा भी बनाओ, मेरा मतलब अच्छा बना है. लेकिन आज रात नींद सबको बहुत बढ़िया आएगी. बीजी, अब आलिया समझदार हो गई है, अब इसकी शादी करवा दीजिए. हाँ मम्मी जी, लेकिन एक शर्त जरूर रख देना ससुराल वालों के सामने कि ऐसा खाना नहीं मिलने वाला वहाँ पर, क्योंकि हमारी आलिया गलती दोहराती नहीं है ना. बहुत परेशान हो गई, मुझे लग रहा है मैंने इस घर में आके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है. बताओ कि पायल हुआ क्या है? मैंने सर से कहा, सर कुछ पैसे दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, कहा कि अगली बार अगर पैसा मांगा तो जॉब से बाहर निकाल दूंगा. मुझ पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी दो बहनें, उनकी पढ़ाई और मेरी बीमार माँ, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? पायल, तुम रो मत. मैं हूँ ना, रोनी है ना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. लेकिन रॉनी, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मेरे बॉस और तुम्हारे बॉस की तो बनती भी नहीं है, और अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि मैंने तुमसे पैसे लिए. नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती. अरे पगलू, कहेगी पता तो तब चलेगा जब तुम बताओगी, बताना मत. ये छिन-छिन क्या कर रही है? ओह, लगता है ये तो मेरा ही काम कर रही है. तुम दोगे मुझे पैसे? बात कर रही हो पागल, तुम्हें नहीं दूंगा तो कैसे दूंगा? ये लो मैं. रॉनी तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा पायल, तुम बताओ ना तुम्हें कितने पैसे चाहिए. कम से कम 5,000. 5,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है. मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा. एक्चुअली मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे अपनी बात शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी, पर वो तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो तो. बस 5,000 रुपए? क्या पागलू कही कि तुम भी ना. ये लो. कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये, तो मुझे भी इमोशनल फूड बना सकती. पायल तुम और लो. तुम कैसे मैनेज करोगे? तुम ज्यादा मत सोचो पायल, ये जो पैसे है ना, ये तुम्हारे बॉस के, मतलब अभी सर के हैं. मैंने उन्हीं से तो लिए थे, जब वो तुम्हें पैसे दें तो मुझे वापस कर देना. रॉनी, यू आर सो स्वीट, आई लव यू.
अच्छा एक मिनट, ये लो तुम ये 10 रुपए रखो, तुम चाय पी लेना। ये लीजिए बॉस, आपका काम हो गया। वेल डन छंछन, जितने दिए थे इससे ज्यादा ही वापस आए। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। तुम सुनो, मुझसे झूठ बोला ए? क्या कही लड़की को डरा रहा है? देखिए सर, आप बीच में बताइए। देखो ना, इस छंछन ने मुझे दिन दहाड़े लूट लिया। हाँ ओए, ये मेरी असिस्टेंट है, इसे छंछन बुलाने कहा, सिर्फ मेरा है। मेरे घर में धोखाधड़ी। तुमने भी तो मुझे धोखा देकर मेरे सारे पैसे छीन लिए ना। तब मेरी छंछन ने तुम्हारे असिस्टेंट को धोखा देकर उसके पैसे छीन लिए। अब ये उल्लू है ही तो उसे धोखा देने की क्या जरूरत है? तुमने मेरी पायल को पागल बोला है। गधी बोलूंगी तो ज्यादा बुरा लगेगा ना, तो पागल ही। छंछन अबाउट टर्न, तुम्हें कौन से एंगल से पागल लग रही है? फ्री में काम करने वाले ना पागल ही होते हैं। अरे लड़कियों से बेवकूफ बनने वाले ना उल्लू ही होते हैं। तो आप भी तो उल्लू हैं। आपको भी मैंने बेवकूफ बनाया ना, अपनी जाल में फंसा लिया आपको। वो मेरा उल्लूपन नहीं, मेरी शराफत थी, समझी तुम? नो नो नो, आपकी शराफत नहीं, मेरी स्मार्टनेस थी कि मैंने आपको फंसा लिया। वरना अगर मैं आपकी जगह होती और आप मेरी जगह होती, दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम मेरी जगह हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं, तुम्हारे सीने के अंदर जो है ना लॉकर है, वहाँ पर फीलिंग्स के बदले पैसे है, पैसे। और आपके पास तो बड़ी फीलिंग्स है। उस दिन फीलिंग्स कहाँ गई थी जब वो डंबल बदलवाने जा रहे थे इससे? तुम्हारी फीलिंग्स कहाँ गई थी जब मैं भूखा मर रहा था और तुम मेरे सामने खाना दबा रही थी? अब आप इतनी पुरानी बात के लिए लड़ेंगे मुझसे? ओके फ्रेश लेकर आता हूँ। फ्रेश वाली कौन सी बात है? हाँ फ्रेश वाली बात, तुमने मेरी फूकी के चश्मे चुराए थे। वो चश्मे नहीं चुराए थे, मैंने चश्मों को सही जगह पे रखा। सही जगह पर तो मैं तुम्हें रखूंगा यार, सड़क के ऊपर या फिर हॉस्पिटल के अंदर। आप मुझे हॉस्पिटल भेजेंगे? उस दिन डंबल से तो बच गई, वरना आने वाले दिनों में 2-4 हड्डियां तो तोड़ ही दूंगा। आप हाथ लगा कर तो देखिए, देखिए कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। आपने मुझे धक्का मारा, मैं आपको लड़ाई पर उतर आई छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अरे चलो ये सुकरी। मैं सुकरी नहीं हूँ। तो क्या कहो तुम अर्नल्ड? सर छोड़ दीजिए सर, लेडीज पे हाथ नहीं उठाते। सर सर छोड़ दीजिए सर, केस हो जाएगा, पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कोई बात, आप देखिए मैं कैसे आपकी पॉकेट मनी काटती हूँ। अरे मैं देखता हूँ तुम मेरी पॉकेट मनी कैसे काटोगी। अरे मैं सारी पैंट से ना पॉकेट ही निकालती हूँ। तुम्हें इस घर से गायब कर दूंगा मैं। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, देख लूंगा। देख लेना। वो क्या है ना, मैं ड्रॉपर से बूंद बूंद टपका टपका के ना रहा हूँ ताकि पानी गिरने की आवाज ना और तुम्हें पता ना चले कि मैं ना रहा हूँ। वरना तुम मुझे कोई काम दे दोगी? पहले कि तुम मुझे कोई काम सौंपो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज मेरी छुट्टी है और आज मैं आराम करने वाला हूँ और मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए ना आज। वेरी नाइस, अच्छा है कि आप बाहर जाए। आज मुझे भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। आप घर पर नहीं रहेंगे तो मैं सुकून से काम कर पाऊंगी, बार बार कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। ओह आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सो हॉट, आई एम कूल। मेरे होने से ना लोग अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? कोई अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल सकता है? नो 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 नो, गलतफहमी नहीं है, इसे टैलेंट कहते हैं। मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार रॉकस्टार। अभी अब इतनी सारी क्वालिटीज है मुझ में, गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम उन क्वालिटीज को देख नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी नजर जो है वो कमजोर है ना। आई हैव गॉट एन आइडिया, तुम योगा ट्राई क्यों नहीं करती? क्या है ना, योगा वोगा करने से ना फोकस वोकस बढ़ता है, हाँ काम आएगा तुम्हारे। सो पॉजिटिव, सो एनर्जेटिक, मैं नेगेटिविटी को हटा रहा हूँ। क्या हुआ, मुंह फुलाकर क्यों खड़ी हो? अरे एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ बाहर फ्रेश होने। रात को मिलेंगे बेबी। You smiling, huh? तब तक के लिए मिस मी। Thank God ये चले गए। Oh my God, बहुत लेट हो गई। मुझे यही लेफ्ट पे उतर। ओ तुम अभी गाड़ी के अंदर बैठी हो? अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट जाना है तुम्हें। तो तुम्हें एक काम करो, वो जो लेफ्ट का दरवाजा है ना जो लॉक है उसे अनलॉक करो और गाड़ी से कूद जाओ। क्या हुआ, अभी तक तुम छलांग नहीं लगाई? इसे और तेज करो तब लगाओगी छलांग।
ये छलांग लगा ओफो मामा जी, आप एक काम कीजिए, आप उठने की कोशिश तो कीजिए। पुत्र लेटा हुआ हूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, उठता हूँ ना गुड़ 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 होती है, फिर मुझे टॉयलेट का दरवाजा दिखता है। पुत्र दादी आप एक काम कीजिए, आप दी को फोन कीजिए और दी से पूछिए कि वो कहाँ पहुँची है। माँ मैं फोन लगाती हूँ। तूफान इतना शांत कैसे बैठा है, इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मान गई, कुछ तो गड़बड़ है। सोच रही होगी कि जब मैं आलिया को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी रोकूंगा तो ये भी साथ में उतर जाएगी, पर मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दादी का फोन, क्या करूं, उठाऊं कि नहीं। हेलो हेलो प्रज्ञा, यहाँ पहुंची नहीं अभी तक? मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। टेंशन मत लो, मीटिंग की तैयारी पूरी रखना। कैसी बातें कर रही है तू? मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं दादी दादी बोल रही हूँ। ठीक है चल। I'm so sorry, मुझे देर हो गई। मामा जी तबीयत कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी, बेहिसाब खाना खाया उन्होंने, 12 बार जा चुके, 13वीं बार। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ऊपर से आलिया आलिया अभी रेस्टोरेंट पहुंच गए, मैं जानती हूँ उससे बच के कैसे यहाँ तक पहुंचे। क्या आलिया पहुंच चुकी है? अरे उसको तो रात का टाइम दिया हुआ था ना। दादी वो अभी आ गई, शायद चेक करना चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन अभी इस गड़बड़ का क्या करें। एक काम करते हैं, हम आलिया को फोन करते हैं और आलिया को बता देते हैं कि प्रोड्यूसर किसी काम में बिजी है और आज नहीं आ सकते, तो हम किसी और दिन मिल लेंगे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आलिया को और शक हो जाएगा। बिल्कुल दादी ठीक कह रही, अगर वो डील करने से पहले प्रोड्यूसर से मिलने की शर्त रख सकती है तो अगर हम मीटिंग कैंसिल करेंगे तो उसे शक हो सकता है हम दोनों पे। पर दी मुझे एक बात बता, नया प्रोड्यूसर कहाँ से लाएंगे? अगर नया प्रोड्यूसर हम लेकर भी आते हैं तो वो उस टाइप की एक्टिंग कैसे कर पाएगा जिस टाइप की एक्टिंग मैंने सिखाई है उन्हें। तू एकदम ठीक बोल रही है, वो ऐसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता जैसी तूने मामा जी को सिखाई थी। एग्जैक्टली दी, वही तो मैं कह रही हूँ, सिखाने की जरूरत ही क्या है जब रेडीमेड प्रोड्यूसर तैयार है हमारे पास। कौन प्रोड्यूसर? तू। मैं? हाँ तू, तू मेरी बात कर रही है? हाँ। नो 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 नो, यस 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 यस, नो नो, क्योंकि बुलबुल तूने सब कुछ सिखाया मामा जी को, प्रोड्यूसर कैसे बोलता है, प्रोड्यूसर कैसे चलता है, सब कुछ, मतलब प्रोड्यूसर की एक्टिंग तुझसे बेटर तो कोई नहीं कर सकता। टी तूने तो मुझे फंसा ही दिया। मैंने कहा फंसा है, उल्टा तू तो मुझे फंसने से बचा रही है। टी तू समझती क्यों नहीं है, वो एक्टिंग सिखाना कोई और बात होती है और एक्टिंग करना इट्स वेरी डिफरेंट, मैं नहीं कर पाऊंगी। दी दादी यही ठीक रहेगा, इसे आदमी बनाकर भेजते। अरे आप लोग आपस में बात क्यों कर रहे, कोई मुझसे भी तो पूछो कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है या नहीं। प्रज्ञा इसके लिए कोट और पेंट का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना वो सूट में ही अच्छे लगते हैं। हाँ दादी, और दाढ़ी मूछ तो कंपलसरी एकदम एकदम, और थोड़ा मोटा भी दिखाना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैंने मना किया है और मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। बालों का क्या करेंगे? किसके बालों का? मेरे बालों का? बालों का कुछ तो करना पड़ेगा दादी, ऐसे तो जा नहीं सकती और काट भी नहीं सकते। नहीं नहीं काट भी सकती है, बालों का क्या है, घर की खेती है, फिर उग जाएगी। बुलबुल तू अपनी दी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तूने इतनी मेहनत की है और अपनी दी को ऐसे मझधार में छोड़ देगी? अगर तूने मना कर दिया तो तेरी दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में हार जाएगी और मैं हमेशा यही समझती रहूंगी कि मेरी अपनी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा ठीक है तू रोना मत शुरू करना, कर लूंगी मैं। तू कर लेगी दादी? दीका मुझे पता था ये पैतरा तो काम करेगा ही। और नहीं तो क्या दादी, इसी से तो सीखा है कि जब कोई काम ना हो तो इमोशनली ब्लैकमेल कर दो, काम यूं ही हो जाता है। एक मिनट मतलब
आप दोनों एक्टिंग कर रहे थे? तू सबको एक्टिंग सिखा सकती है, हम एक्टिंग कर भी नहीं सकते। अच्छा ये बात है ना, ठीक है मैं नहीं करूंगी। देख बुलबुल तू हाँ बोल के पलट नहीं सकती। लेकिन दी तूने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। जो भी है ज्यादा नाटक मत कर। अब ये नखरे बंद कर। ये नखरे ना अपने ससुराल वालों को दिखाना, पूरब को। तू बता दे तुझे करना है या नहीं। नहीं करना है तो दादी चलो हम किसी और को ढूंढ लेते, चल बना लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं कर लूंगी। वो क्या है ना दादी, जब तक मुझे कोई ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। ड्रामा क्वीन मिल गई ना मोटिवेशन, अब जल्दी तैयार हो जा। दादी अब आप घर जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। पर पुत्र तुम दोनों को मेरी यहाँ भी तो जरूरत होगी ना। दादी मेरे ख्याल से आलिया अब तक घर पहुँच गई होगी, तो आप घर जाकर उस आलिया और तनु पर नजर रखें। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हम रोनी को बुला लेंगे। ठीक है हाँ चलो मैं चलती हूँ। चलो बाय बाय दादी। बुलबुल मैं क्या सोच रही थी कि ये टेबल ना एकदम करेक्ट रहेगा, बीच में है ना तो आलिया पे नजर रखने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि हमें ये वाला टेबल नहीं बल्कि वो वाला टेबल बुक करना चाहिए। कॉर्नर वाला एक्सक्यूज मी आज रात के लिए हमें वो वाली टेबल बुक करनी है। ओके मैम मैं अभी बुक कर देता हूँ। थैंक यू। मुझे बस ये पूछना था कहीं वो टेबल ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं है ना, आई मीन कंफर्टेबल है करे? हमारा ये होटल अभी नया खुला है, यहाँ सब कुछ नया है, डोंट वरी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम वहाँ पर बैठकर चेक कर सकते हैं? या श्योर। ओके थैंक यू। आओ दी रॉनी वो बैग देना। ये कैमरा कहाँ लगाओ? यही टेबल पे लगा देना, यहाँ से ना आलिया की शक्ल भी क्लियर है। अच्छा अगर आलिया ने उसमें कैमरा देख लिया ना तो वो यहाँ से उठ के चली जाएगी थी। तू भी ना कैसे सजेशंस देती है। ये कैमरा लो, तुम उस एंगल में फिट करना, आलिया यहाँ बैठेगी और मेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी शक्ल दिखनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगर आलिया यहाँ बैठ गई तो? ये तो कैसे बातें कर रही है, जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले मैं वहाँ बैठ जाऊंगी और यहाँ पे तो सिर्फ दो चेयर्स होंगी, तो जाहिर सी बात है आलिया के पास एक ही ऑप्शन बचा, आलिया इस वाली चेयर पे बैठ जाएगी। अब ये माइक, माइक का क्या करें? तू रहने दे, ये माइक ना मैं उसके अंदर डाल दूंगी। नाइस फ्लैश ना दी, तुझे तो सब आता है। कोर्स दी सुबह शाम दिन रात मैं टीवी जो देखती रहती हूँ उसका कमाल है, तेरे जैसे नहीं जो हमेशा बुक के सामने पड़ी रहती है। चलते हैं। जी आप में से प्रज्ञा मैम कौन है? जी मैं। जो आपने सामान मंगाया था उसको डिलीवरी देने हमें। थैंक यू सर। ये क्या है दी? वेट एंड वॉच। एक मिनट, ये तेरा टेस्ट है। टेस्ट मतलब तेरे टीवी देखने का कितना फायदा हुआ ये चेक कर। अच्छा तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? बुलबुल अरोरा को चैलेंज कर रही है? एब्सोल्युटली। ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आलिया तुम वहां मत जाओ। क्या क्या बोला तुमने? आलिया मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। और क्यों ना जाओ? क्योंकि अभी अभी मैंने एक बुरा सपना देखा, मैंने देखा कि अभी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और उसने तुम्हें रंग के हाथों पकड़ लिया है। So you mean to say कि तुम्हारे एक बुरे सपने की वजह से मैं अपनी डील पूरी करने ना चाहूँ, is that right? क्या ये कहना चाहती हो तुम? सिर्फ सपने की बात नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग्स भी आ रही है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी रोका है क्या? तनु प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके okay? अच्छा ठीक है। ओके तुम जिस जगह जा रही हो वो सेफ तो है ना? यस एकदम सेफ है, मैं आज सुबह वहाँ पर होकर आई हूँ तनु, और सारी चीजें अच्छे से चेक कर आई हूँ। एकदम नया होटल है ना तो ज्यादा गेस्ट भी नहीं है, सो हमारी डील के लिए एकदम आइडियल और परफेक्ट लोकेशन। डोंट वरी कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके बाय बाय गुड लक, दैट्स मोर लाइक इट। आई सी यू। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।